Hi guys, welcome to the skill development programs by Safalta. My name is Aman Kapoor and I'm going to be your digital marketing instructor for today's class. आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा अगर मैं कहूँ तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट हॉटेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग. यस, यू गेस्ड इट राइट, वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. आज की इस पूरी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर्च इंजन क्या होते हैं, किस तरीके से आपका मोस्ट फेवरेट सर्च इंजन गूगल काम करता है, क्या है एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हाउ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वर्क्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन. विद ऑल बींग सेड एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आप लोगों ने जरूर इस चीज को नोटिस करा होगा कि जब भी आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन आता है, पहले हम लोग क्या करते थे कि व्हेनेवर वी यूज्ड टू हैव एनी क्वेश्चन इन आवर माइंड तो हम लोग अपने मेंटर्स, अपने टीचर्स या तक कि अपने पेरेंट्स के पास जाते थे और उनसे उनका आंसर लेते थे, राइट. बट अभी जो है वो बिल्कुल एनवायरमेंट चेंज हो चुका है. इफ वी हैव एनी क्वेश्चन इन आवर माइंड नाउअडेज तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं गूगल पे, अपने क्वेश्चन को सर्च करते हैं एंड गूगल doing his own duty हमें वहां पर answers provide कर देता. क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने गूगल पे कुछ सर्च कराओ और वहां पर आपको अनएक्यूरेट यानी कि वो रिजल्ट जो कि आपके क्वेश्चन को मैच ना करते हो मिले हैं? सोच करके देखो. आई कैन गेस ऐसा कभी नहीं हुआ होगा. 99.99% ऑफ द टाइम्स जब भी आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, Google provides you the exact answers that you are looking for. But guys, कभी आप लोगों ने सोचा है कि Google इस चीज को मैनेज कैसे कर रहा है? कैसे आप लोग जो है Google पे जब कुछ भी सर्च करते हो तो उसका एग्जैक्ट आंसर आप लोगों को मिल जाता है? वेल, इसके पीछे Google का पूरा एक प्रोसेस है जिसको एल्गोरिदम कहा जाता है. Google का अपना एक पूरा प्रोसेस है जहां पर वो हर एक इंडिविजुअल वेबसाइट को या लिंक को अपने बनाए हुए बॉट्स के थ्रू रीड करता है जिसे क्रॉलिंग कहा जाता है. सारे के सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद गूगल वो सारा डेटा इंडिविजुअली पढ़ने के बाद अपने खुद के सर्वर्स में सेव करता है जिसे इंडेक्सिंग कहा जाता है. और जब सभी वेबसाइट्स का डेटा कलेक्ट और इंडेक्स हो जाता है तो सामने वाले पर्सन के सर्चिंग के अकॉर्डिंग उसको वैलिड रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है. दैट इज हाउ गूगल वर्क्स. एंड फन फैक्ट, Google was founded in 1998. Yes, शायद आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे जो कि बाद में आए हैं गूगल के. सो गूगल इज सीनियर टू डू. खैर, जोक्स अपार्ट, बट इन द 1998 व्हेन गूगल वॉज फाउंडेड तो उनके जो फाउंडर्स थे लैरी पेज और सर्जे बिन, उनका क्लियर फोकस ये था दैट दे वॉन्टेड समथिंग गुड, समथिंग विच शुड लास्ट लॉन्ग. एंड दैट इज हाउ बाय देयर सक्सेसफुल मेंटोरशिप Google is Google nowadays. आप जब भी कुछ सर्च करते हो, Google के खुद के नहीं रिजल्ट्स होते हैं वहां पर, बल्कि आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे दूसरों की वेबसाइट्स के, दूसरों की वीडियोस के या दूसरों की इमेजेस के. यू कैन से इन layman's लैंग्वेज दैट गूगल वर्क्स एज अ मीडिएटर. जहां पर आप कुछ भी सर्च करते हो, आपकी सर्च को उठाता है, सामने वाले की वेबसाइट को उठाता है और आपको दिखा देता है. बट ये मैनेज कैसे कर रहा है, इसी चीज को अभी हमने समझा क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रिजल्ट्स के एक्सप्लेनेशन. आप लोगों ने अगर डिटेल में कभी गूगल को समझा होगा तो यू वुड हैव लुक्ड इट, जो कि अभी आप स्क्रीन पर भी देख पाओगे कि जब भी आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो तो गूगल पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ एक पेज पे ही आपको रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं. आप लोगों को दिखाई देते हैं गूगल पे सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज और सिक्स्थ पेज एंड इट गोज. बाय द वे, जिस पेज पे आपको सारे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं इस पेज को कहा जाता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज और शॉर्ट फॉर्म्ड एज SERP. इन पेजेस पे आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी होगी कि सबसे ज्यादा आप जिन वेबसाइट्स पे क्लिक करते हो वो वेबसाइट्स हमेशा गूगल के फर्स्ट पेज पर ही होती है. इवन एज पर द डेटा 75% ऑफ द पीपल डोंट इवन विजिट गूगल्स सेकंड पेज. यस, Only 25% of the total traffic goes to the second or third page of the Google. यानी कि 75% के करीब लोग जो है सिर्फ Google का first page visit करते हैं.
नाउ यू कैन इमेजिन हाउ मच ट्रैफिक गूगल का पहला पेज हैज। इसी के साथ साथ आपके मन में एक सवाल ये भी आता है कि जब गूगल के पास 10, 20, 50 वेबसाइट्स हैं दिखाने के लिए, तो गूगल कैसे मैनेज कर रहा है कि मुझे ये वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे दिखाना है, मुझे ये वेबसाइट को सेकंड पेज पे दिखाना है। गूगल के पास जब इतनी सारी वेबसाइट्स है, तो गूगल के पास एक क्वालिटी मेजरमेंट की चेकलिस्ट भी है। गूगल 200 से ज्यादा फैक्टर्स पे एक वेबसाइट को मेजर करता है, उसकी क्वालिटी को मेजर करता है, फिर चाहे वेबसाइट की स्पीड हो, वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ कंटेंट हो, आर्टिकल्स हो, ब्लॉग्स हो, कीवर्ड्स हो, यू नेम इट, देर आर मोर देन 200 फैक्टर्स दैट गूगल चेक्स ऑफ अ सिंगुलर वेबसाइट। और उन सभी फैक्टर्स पे, सभी वेब फैक्टर्स के ऊपर क्वालिटी चेक करने के बाद गूगल इस नतीजे पे आता है कि इस वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे दिखाना चाहिए या सेकंड पेज पे दिखाना चाहिए। सो यू कैन गेस दिस दैट द वेबसाइट्स ऑन द फर्स्ट पेज आर दोज वेबसाइट्स व्हिच बेसिकली पास्ड द गूगल्स क्वालिटी चेक, एंड द वेबसाइट्स व्हिच आर ऑन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इवन द लास्ट पेजेस ऑफ द गूगल फेल्ड टू पास द असेसमेंट और क्वालिटी चेक मेजरमेंट बाय गूगल। इफ वी नो दोज 200 फैक्टर्स जिनके ऊपर गूगल एक वेबसाइट की क्वालिटी मेजर करता है, वट इफ अगर हम उन सभी क्वालिटी मेजरमेंट्स को इम्प्रूव करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो हम भी तो रैंक कर सकते हैं। यस, एंड दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इफ वी गो बाय द डेफिनेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस, इज अ और यू कैन से इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट वी परफॉर्म ऑन आर वेबसाइट टू इम्प्रूव the overall quality and traffic of our website. Yes, आप वो सारे quality measurements को अच्छे से understand करने के बाद अपनी website पे practically perform करना शुरू कर देते हो, फिर चाहे वो अपनी website की speed improvement हो, website का content improve करना हो, website पे continuously articles या blogs डालने, we start performing all those quality measurements on our website and later on after the 2 or 3 months of hard work you can get your website on Google. That is the process of search engine optimization. This was just in this today's class. Yes, we will now deeply understand in the upcoming classes ki on-page search engine optimization kis tarike se kara jata hai aur off-page search engine optimization kis tarike se kara jata hai. So that's me, Aman Kapoor, signing off. See you all in the next class. Thank you so much for joining the skill development courses by Safalta. Check it.